हाय गाइस, मैं अजय गंबोज और आज हम बात करेंगे कि अगर आप पीसीडी फ्रेंचाइजी में कामयाब होना चाहते हैं तो कैसे कामयाब हो सकते हैं। कुछ जनरल प्रॉब्लम्स की भी बात करेंगे यहाँ पे। एक्चुअली किसी भी काम में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सबसे मेन चीज तो यही रहती है कि आपको उसमें मेहनत करनी होती है, इनोवेटिव वे ढूंढने होते हैं अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए, और कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है और पेशेंस रखना पड़ता है। तो जब भी आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, पीसीडी लेते हैं, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर को फेस आती है वो आती है प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस की। क्योंकि क्या होता है कि किसी नई कंपनी की पीसीडी फ्रेंचाइजी को अपने एरिया में लॉन्च करना किसी नई कंपनी को लॉन्च करने के बराबर हो जाता है, या किसी पुरानी कंपनी को किसी नए हेडक्वार्टर पे लॉन्च करने के बराबर हो जाता है। वहां पर किसी ने भी उस कंपनी का नाम नहीं सुना होता है, उन प्रोडक्ट को यूज नहीं किया होता है, तो सबके मन में एक डाउट होता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होंगे या नहीं होंगे। अब जो पर्सन उसके पीछे है, जो उसको सेल आउट करने जा रहा है, उस पर भी ट्रस्ट अगर है भी हेल्थ कम्युनिटी का, फिर भी थोड़ा टाइम लगता है एक एक्सेप्टेंस होने की प्रोडक्ट को मार्केट में। उसको आप ध्यान में रख के काम करिए, क्योंकि जाते ही आपको प्रोडक्ट बिकना नहीं शुरू हो जाएगा। पहले आपको एक फेथ क्रिएट करना पड़ेगा, आपको मेडिकल कम्युनिटी में विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि जो आप प्रोडक्ट लेके आए हैं उनके अच्छे रिजल्ट है या नहीं। वो तभी हो सकता है कि जब आप मेहनत करो, उन प्रोडक्ट को यूज करके देखो, क्योंकि बिना यूज करे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं है। लेकिन जब आप मार्केट में जाओगे, मेहनत करोगे, तो आराम आराम से आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस मार्केट में बढ़ती जाएगी और आपकी सेल भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और डॉक्टर आपके प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे, मेडिकल भी उसको बेचना शुरू कर देंगे। थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है जब तक आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस मार्केट में नहीं होती। एक और जो मेजर चैलेंज जब भी किसी भी पीसीडी फ्रेंचाइजी को आता है, वो आता है कि प्राइस फिक्सेशन का। उसको क्या पीटीएस रखना चाहिए, क्या पीटीआर रखना चाहिए, ये बहुत ही कॉमन आता है। जब भी आप किसी फ्रेंचाइजी कंपनी से मटेरियल लेते हैं तो वो एक नेट बेसिस पे आता है आपको, तो वो फिक्स नहीं होता कि आपको अपने प्रोडक्ट किस रेट पे सेल आउट करने हैं, क्या आपको पीटीएस रखना है, क्या आपको पीटीआर रखना है। तो वो आप रियल टाइम व्यू के हिसाब से, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे या जो डाटा आपके पास है, जिस रेट पे वो मार्केट में बिकते हैं, तो उसके हिसाब से वो आपको खुद तय करना पड़ता है। कंपनी भी उसमें आपकी मदद कर देती है, वो भी आपको पीटीएस और पीटीआर फाइल दे देती है, लेकिन रियल टाइम में आप वहां पे होते हो, उस सिचुएशन को आपको हैंडल करना है। आपको बेटर पता है कि मार्केट में अगर आप इस रेट से करोगे तो अपना मार्जिन भी निकाल पाओगे, दूसरे मार्जिन भी निकाल पाओगे, और आप मार्केट में सस्टेन भी कर पाओगे। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप कैसे पीटीएस पीटीआर को डिसाइड करते हो, क्या ऑफर आपको देना है केमिस्ट को, रिटेलर्स को, वो भी डिसाइड करते हैं। तो ये भी आपको वहां पे करके चलना पड़ेगा। जितना अच्छा आप पीटीएस और पीटीआर और रेट की कैलकुलेशन करोगे, उतना ही ज्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरी जो प्रॉब्लम रहती है जब भी हम फ्रेंचाइजी किसी फार्मा फ्रेंचाइजी को लेके आते हैं, तो वो ये रहता है कि उस पर एक प्रोपेगेंडा का टैग लगा होता है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप डिस्क्लोज मत करिए, आप जितना भी हो सके उस चीज को प्रिवेंट करके रखिए। जब आपके प्रोडक्ट मार्केट में एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगे फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की तो हमने यहाँ पे बात करी। अब अगर आपको पीसीडी में लगातार आपको कामयाब होना है तो वो हर काम की तरह, तो इसमें भी वही चीजें एप्लीकेबल होगी। आप एक रेगुलर रूटीन बनाइए, जो आपकी जॉब में था या जहां पे भी था, आपको डेली किन डॉक्टर्स के साथ वर्किंग करनी है, किन से आज मिलना है, और क्या क्या आपका वर्किंग प्लान रहेगा, किस टेरिटरी में आपको किस दिन काम करना है, ये सब आपको प्लान करना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको सारा कुछ काम करना है। ये नहीं है कि आपने खुद का काम शुरू किया है तो आप आज दो डॉक्टर से मिल रहे, कल किसी और से मिल लेंगे, नहीं हो पाए। अगर आपको एक टारगेट लेके चलना है कि आज आपको 12 डॉक्टर से मिलना है, तो आपको 12 डॉक्टर से ही मिलने की कोशिश करना है। हो सकता है कि किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से अगर आपके कुछ डॉक्टर साथ छूट जाते हैं तो आप उससे कल मिलिए। एक प्रॉपर डिसिप्लिन सबसे मेन चीज होती है कभी भी सक्सेस की। अगर आप डिसिप्लिन, अपना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे, डिसिप्लिन में हर चीज को नहीं रखेंगे, डेली कॉल नहीं करेंगे, तो बाद में क्या होगा कि आपने मेहनत तो खुद नहीं की है, बाद में यही बात आ जाएगी कि प्रोडक्ट में दम नहीं था या ये नहीं था वो नहीं था। तो सबसे पहले डिसिप्लिन बनाइए, एक रूटीन बनाइए अपना प्रॉपर, जिस तरह की वर्किंग आप अपनी जॉब में करते थे, एज ए सेल्स मैनेजर करते थे, एज ए रिप्रेजेंटेटिव करते थे, कुछ भी करते थे, उसी तरह का आपका शेड्यूल आपकी पीसीडी फ्रेंचाइजी में भी होना चाहिए। आपको डेली वो काम करना है, ऐसा नहीं है कि आपका खुद का काम है तो आप एक दिन स्किप कर लिया या किसी दिन काम कर लिया, किसी दिन नहीं करना, उसी तरह प्रॉपर आपको वो करना है। जब आप उसको डेली करते जाएंगे, छोटी छोटी सक्सेसेज ही बन के एक बड़ी सक्सेस बनती है। तो आपको पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक डिसिप्लिन बनाना है, एक हर चीज को कैटेगराइज करके एक डिसिप्लिन मैनर में चलना है। दूसरा जो रहेगा वो डिसिप्लिन से ही रिलेटेड रहेगा, वो रहेगा कंसिस्टेंसी।
क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम फेस आएगी। हमने एक वीडियो में भी बात करी थी कि बहुत ही मेंटल अपसेट की कंडीशन होती है स्टार्टअप में। कभी आपके पास ऑर्डर आ जाते हैं, कभी नहीं आते। जब आप मेहनत करते हैं तो ऑर्डर तो आने शुरू हो ही जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब तक आप उसको कंसिस्टेंसली नहीं करेंगे, डिसिप्लिन मैनर में नहीं करेंगे, तो उसकी सक्सेस का रेशो कम होता जाएगा। अगर उसको आप कंसिस्टेंसली करेंगे, लगातार करेंगे, तो आपका सक्सेस रेशो भी बढ़ता जाएगा। तीसरा जो रहता है वो रहता है पेशेंस। जब हम हार्ड वर्क करते हैं, हमने डिसिप्लिन भी अपने आप को दे दिया है, हम सेल्फ डिसिप्लिन में भी आ गए हैं, उस चीज़ को हम लगातार भी कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी भी दिखा रहे हैं, जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है पेशेंस। क्योंकि हमारे हाथ में केवल हमारा हार्ड वर्क होता है, हमारे इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, कभी भी रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। तो उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ इतनी जल्दी नहीं हो जाती। आपको पहले डिसिप्लिन रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, हार्डवर्क करना पड़ता है, और उसके बाद आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जब आप ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है आप में, तो फिर आप सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि आप उसको 6 महीने कर रहे हैं, साल कर रहे हैं। क्योंकि हम पहले भी कई वीडियो में बात कर चुके हैं कि आपको किसी भी काम में सक्सेसफुल होने में थोड़ा टाइम लगता है, 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, तो वो कई फैक्टरों पे डिपेंड करता है। तो वहाँ पे पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप पीसीडी फ्रेंचाइजी में जरूर कामयाब हो जाओगे। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।